रिमोट से लहंगे को उठाया जाता है, फिर उसी लहंगे को रिमोट से पेटीकोट ब्लाउज ढोड़ी चुम्मा। आज के समय में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, तेलुगु हो या कोई सी भी हो, एक से बढ़कर एक बवाल पिक्चरें आ रही हैं। और वहीं अगर हम भोजपुरी की बात करें तो क्या है? पहले रिमोट से लहंगे को उठाया जाता है, फिर उसी लहंगे को रिमोट से लहकाया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि भाई साहब, कुछ भोजपुरी के कार्टून ने ना भोजपुरी में ऐसा बीज बोया है, ऐसा बीज बोया है साहब, हमारे यूपी बिहार के लोग बाहर भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। अगर हिंदी अंग्रेजी जोड़कर अगर बोलना भी चाहते हैं तो छूते साबित हो जाते हैं, लोग उन्हें बिहारी बोलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने ना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है ना कि अब जो भोजपुरी है वो गंवारों की भाषा कही जाने। अब साउथ वालों को ही देख लो, RR, बाहुबली, पुष्पराज, KGF, बहुत सी ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, ठीक है। और वहीं अगर हमारे भोजपुरी, जो भोजपुरी वाले उनकी अगर मूवीज की बात की जाए तो मूवीज क्या ही बताऊं भैया। हमारे भोजपुरी वाले आज भी साया, पेटीकोट, ब्लाउज, ढोड़ी, चुम्मा, देवर, भौजाई, इन्हीं सब बैठके हुए हैं भाई साहब। इनसे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके 10 गाने उठाकर अगर किसी बाहरी इंसान को सुनाया जाए ना तो मादरसों बलात्कार करने निकल पड़े। सही बता रहा हूं, इनके गानों में इतनी गंदगी, इतनी अश्लीलता होती है इनके गानों में कि आदमी साला परिवार के साथ बैठकर देख सकता। और साला आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी। मैं बड़ा स्टार हूँ, नहीं, मैं बड़ा स्टार हूँ, अबे यादव बड़ा है, भूमिहार बड़ा है। मतलब साला समाज के ऊपर ऐसा गाना बना दे रहे ना लोग कि अगर आदमी साला सुन ले तो मर्डर करने निकल पड़े एकदम। ये हाल है भोजपुरी का। 1962 में एक पिक्चर आई थी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ी में। ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई थी और जो थर्ड क्लास मूवी बननी है ना, जो बी ग्रेड की जो थर्ड क्लास मूवी है, ठीक है, वो भी अगर देखी जाए इनसे इनके मुकाबले अगर देखी जाए तो वो भी अच्छी मूवी है। क्योंकि उन मूवी में एक स्टोरी होती है, एक कम्युनिकेशन होता है हर चीज का, दिखाने का, प्रेजेंट करने का, ठीक है। अश्लीलता कोई नहीं देखना चाहता, अश्लीलता वो देखता है जिसके दिमाग में अश्लीलता भरी होती है। ऐसी पिक्चरें बनाओ जो पहले पिक्चरें बनती थी, आदमी परिवार के साथ देखे। तुम्हारी मतलब 250-300 का टिकट खरीद के तुम्हारे हॉल में जाए देखने, ठीक है। और वो भी क्या देखना चाहे, अश्लीलता परिवार के साथ जा सकता है यार, नहीं जाएगा बिल्कुल। मतलब यार कपिल शर्मा शो में भोजपुरी का चुटकुला बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। हम क्या इतने बेकार है क्या? हमारे यूपी बिहार की धरती पर कबीर हुए, तुलसी हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, भिखारी ठाकुर हुए और शारदा सिन्हा जी अभी जिंदा है, ऐसे ऐसे महान लोग हमारे यूपी बिहार की धरती पर पैदा हुए। पर हमारा भोजपुरी कहाँ जा रहा है? साया, चोली, कोटी, चुम्मा, चटनी, इन्हीं सब में। हमारे यूपी बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है, अगर इतिहास के ऊपर अगर अच्छी फिल्म बनाए, ठीक है। मैंने अभी तक ऐसी, अब जैसे जितनी भी हमारी बॉलीवुड में हम देखते हैं हिस्ट्रिकल मूवीज हैं, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड बनती है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि भोजपुर में किसी इतिहास के ऊपर कोई फिल्म बनी है, किसी ने बनाई भी हो। बद्दे वरा ढोड़ी चटना बा, ठीक है, चुम्मा चट्टी, बस यही सब होता रहता है। मन में आया तो बोल दिया, बुरा लगे तो लग जाए, कोई टेंशन नहीं।